Good morning, friends. Today we are going to proceed with the classification of representation of the system of the number. What we will do? Today we will do the representation. Representation of numbers. दोस्तों हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है कि नंबर लाइन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन कैसा होता है। तो अगर हम नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में नंबर लाइन के बारे में तो देखिए नंबर लाइन जो होता है हमारा ऐसा होता है। नंबर लाइन के बीच में जो सेंटर होता है वहाँ पर ओरिजिन होता है जिसे हम जीरो बोलते हैं। और जीरो के राइट हैंड साइड में हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन। ओके, और जो हमारा राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में हमारे क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स। तो हमें नंबर लाइन में किस तरीके से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ये चीज हमें देखना है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन दिस नंबर लाइन। ओके, नाउ वी आर टेकिंग अ वन नंबर, हमने एक रेशनल नंबर दिया, जैसे कि हमें दे रखा है 3/5। अब हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको स्केल मालूम होना चाहिए, स्केल का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है यानी कि पॉजिटिव साइड से ही होगा, तो हम पॉजिटिव साइड के नंबर्स को लेते हैं। ये हमारा जीरो। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या है, फाइव, तो हम इसको क्या करेंगे, फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा हमारा, वन अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव। अब फाइव अपॉन फाइव जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं फाइव अपॉन फाइव, लेकिन ये डिनर दोनों क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये प्लस होने पर वन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, वन। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है थ्री अपॉन फाइव, ये हमारा
इस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के। तरीके से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट ओके? नाउ क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी थ्री डेसिमल नंबर, राइट एनी थ्री डेसिमल नंबर, रिपीट -3 और -5 के बीच के तीन रेशनल नंबर लिखने हैं। तो कौन कौन से होंगे तीन रेशनल नंबर, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमने
क्या किया, माइनस थ्री और माइनस फाइव दोनों को ऐड कर लेते, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस थ्री प्लस माइनस क्या होगा, चलो दूसरा दूसरा मैं ये नहीं माइनस थ्री कैन बी रिटेन एज माइनस थ्री अपॉन वन, ठीक है, एंड माइनस फाइव कैन बी रिटेन एज माइनस फाइव अपॉन वन, ओके, नाउ माइनस थ्री अपॉन वन इंटू टेन कितना होगा, माइनस थ्री अपॉन टेन एंड माइनस फाइव अपॉन वन इंटू टेन करते हैं तो ये हुआ हमारा माइनस थ्री अपॉन टेन। तो अब हम देखेंगे माइनस थ्री अपॉन टेन एंड माइनस 50 अपॉन 10 इनके बीच में हमारे पास में जो रेशनल नंबर्स लाइन अप कर रहे हैं नंबर्स लाई अप करेंगे इनके बीच में। ओके नाउ हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, बोला है राइट एनी थ्री रेशियो ऑफ परमुटेशन 3 upon 5 and 4 upon 7. 3 upon 5 and 4 upon 7 each के रेशियो नंबर की सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने लिया सबसे पहले 3 upon 5 और इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय, हमें 3 पूछा हुआ है लेकिन हम 5 से जाते हैं 5 upon 5 15 और 25 एंड 4 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 5 तो ये क्या होगा 5 अपॉन 25। ओके अब हम देख रहे हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं ये क्या है, सेम नहीं है, यहाँ पर 25 है यहाँ पर 25, तो हमें क्या करना है डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या इसे करेंगे 15 अपॉन 25, ओके, और दूसरा हमारा है 20 अपॉन 35, या फिर हम स्टार्टअप के लिए हम कर सकते हैं, चलो मैं स्टार्टिंग में ही कर देता हूँ। हमने लिया 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 7, हम दोनों का एलसीएम ले रहे हैं,
LCM of 5 and 7 is 32. Okay? Coming at here, 3 upon 5 into 7 here, number 31 upon 35, or 4 upon 7 into 5, now we have 5 upon 20, or 7 by 32. क्या है 20 अपॉन 35 और 21 अपॉन 35 हमारे के बीच में कितने इक्वेशन नंबर है एक भी नहीं अब हम क्या करेंगे जो हमारा 20 अपॉन 35 है उसको लिया और इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई का टेन कर दिया 200 अपॉन 3 ओके अब दूसरा हमारा है 21 upon 35 into 10 कर दिया इसको भी तो यहाँ पर हमारा है 210 upon 300 210 और 210 10 रेशनल नंबर्स लाइन अप करते हैं सो वी कैन राइट दैट रेशनल नंबर्स आर 201 upon 350, 202 upon 350, कोई भी आप three लीजिए, 205 upon 350. मैंने तीन ही लिखे, तीन पूछा होगा तो तीन लिखिए, 200 से लेकर 210 के बीच में counting जो भी आती है, आप लिख दीजिए, आपके पास में three decimal numbers हो जाएंगे. Is that clear? आपका एक्सरसाइज 1.2 होमवर्क है 1.2 में इसी टाइप की क्वेश्चन है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे बाय बाय